Hello students, good morning. Today we will do exercise 1.2 of chapter 1. Okay? तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा है। इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखने हैं और प्लेस बताने हैं कि डिजिट्स किस प्लेस पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही क्वेश्चन, इसमें करना क्या था कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बताना है, सबसे तो पहले ये नंबर देख लीजिए, नंबर क्या है 36,41,111। इसमें 3 किस प्लेस पे है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ये बताओगे आप कैसे 3 किस प्लेस पे है। सबसे तो पहले आपको पढ़ना होगा ना कि 3 किस प्लेस पे है। चलो पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। 3 किस प्लेस पे है? 10,00,000 प्लेस पे, 10,00,000। 3 इज इन द 10,00,000 प्लेस, ओके। एंड 7 इज इन द 7, सॉरी बाबू यहां क्वेश्चन में 4 हुआ क्योंकि इसमें तो 7 है नहीं, 4 है ना, तो 4 इज इन द डैश प्लेस। 4 किस प्लेस पे है इसको भी पढ़ लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 4 किस प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे ना, तो लिख देंगे 10,000। आप लोग लिख लेना, ओके। तो ऐसे तो आप लोग कर पाओगे, बहुत इजी है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, नंबर वही है। इन 36,41,111 द डिजिट इन द 10,00,000 प्लेस। अब आपसे 10,00,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो आंसर दे ही सकते हो। तो इस नंबर में क्या पूछा जा रहा है, द डिजिट इन द 10,00,000 प्लेस। 10,00,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आइए 10,00,000 प्लेस देखें है कहाँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। 10,00,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है बाबू? 3। तो क्या लिख देंगे? 3 हो गया आंसर। अब अगर आपसे पूछा जाता द डिजिट इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे अगर 10,00,000 के प्लेस की जगह पे रहता 1000 प्लेस, तो आप क्या करते, पढ़ते 1000 प्लेस पे कौन है, 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे 1 है ना, तो लिख देते 1 आंसर। ऐसे करके आप लिख सकते थे, बट इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस नंबर में देखते हैं प्लेस वैल्यू, यानी जिन डिजिट्स का प्लेस वैल्यू पूछा गया है उन्हीं डिजिट्स का प्लेस वैल्यू निकालना है आपको। तो बताइए इसमें किसका पूछा गया है, 2 का। 2 यहाँ है ना, 2 किस प्लेस पे है, चलिए इसके प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। 2,00,000 प्लेस पे है ना, तो चलिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 2 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो डिजिट जाओ उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। 2 बन जा 2, और जितने जीरो हैं इस पे जीरो पुट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने प्लेस वैल्यू आए, 2,00,000। आप यहां लिख लोगे 2 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 2,00,000। अब आया 6 का, चलिए 6 का देख लेते हैं, 6 है ना, 6 किस प्लेस पे है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 6 10,000 प्लेस पे है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बोला ना जिस प्लेस पे उसे मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 होता है, जितने जीरो आए काउंट करके लिख लो, यानी 60,000। 6 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 60,000, ओके। अब क्या पूछा गया है, 3 का, चलिए 3 किस प्लेस पे है, प्लेस से मल्टीप्लाई करो, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 1 जा 3 एंड 3 टाइम्स 0 इट मीन्स 3000, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000, ओके। नेक्स्ट 4, 4 का पूछा गया कि 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, 4 किस प्लेस पे है बाबू, 1, 10, 10 प्लेस पे है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 जा 40, ओके। आप लिख लोगे 4 का प्लेस वैल्यू 40। तो ऐसे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी कैसे लिख सकते हो, आइए एक बार डायरेक्ट वाला बता दे। सबसे पहले 2 का पूछा जा रहा ना, तो 2 लिख लेना, 2 के बाद जितने डिजिट है उतने के बदले 0 बैठा देना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो डिजिट है ना 2 छोड़कर, तो 5 तो 0 बैठा दो, ओके 5 तो 0 पुट कर दिया ना आपने,
चलिए सिक्स है तो अब सिक्स के बदले में सिक्स लिख लो और सिक्स को छोड़ने के बाद कितने डिजिट बच गए, फोर, फोर टाइम जीरो। चलिए नेक्स्ट थ्री, थ्री पूछा गया ना तो थ्री को देखो, थ्री लिख लो, अब थ्री के बाद कितने डिजिट बच गए उतने जीरो लिख दो, थ्री टू डिजिट बच गए, थ्री टू जीरो लिख दो। फोर है, फोर लिख लो, फोर के बाद कितने डिजिट बच गए सिर्फ एक, तो ओनली वन जीरो पुट कर दोगे। ओके तो ऐसे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। आइए देखते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है या फिर आपस में इक्वल तो नहीं है, ये देखना है हमें। तो देखिए नंबर्स को कंपेयर करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपना सकते हो, बट मैं आपको बताता हूं ऐसा जो इजी हो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, किधर कितने डिजिट्स हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी ये जो नंबर है हमारा ये सेवन डिजिट का है, ठीक है, ये काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स डिजिट का ही नंबर है। तो हो गया, दिख रहा है ना ये सेवन डिजिट का नंबर है तो ये बड़ा होगा, और इधर बड़ा वाला इस नंबर को बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इधर ओपन माउथ ये साइन करेंगे और एरो की तरफ जो एरो की तरह जो निशान होता है वो स्मॉलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओके समझ गया आप, आइए इसमें देखते हैं। इसमें भी आप डिजिट्स पहले काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलिए डिजिट्स इक्वल है ना, तो डिजिट्स जब सेम है तो अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से, इधर सिक्स इधर सिक्स, ठीक है, उसके बाद इधर सेवन फिर इधर भी सेवन, एट एट, फाइव यहां भी फाइव, टू यहां भी टू, थ्री या नाइन, ये देखिए यार थ्री या नाइन, यहां तक तो मैंने कंपेयर करते आया तो सबके सब इक्वल हुआ, लेकिन यहां है थ्री और यहां है नाइन, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो बस यहीं पे रुक जाना, ये बड़ा हुआ ना तो बस ऐसे कर दो। ओके आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। और अगर ये नंबर इक्वल होता मीन्स जैसे कि हम लोगों ने टू तक यहां तक मैच किया तो सबके सब इक्वल हुआ, अब थ्री फोर टू यहां है, यहां भी थ्री फोर टू होता तो इसमें इक्वल का साइन लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स इसमें हमें इन नंबर्स को देख के इसमें से लार्जेस्ट कौन है उसको यहां लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है उसको यहां लिखना है। देखिए बहुत इजी है, एकदम वेरी इजी, देखोगे तो बोलोगे हाँ सर ये बहुत इजी है। देखिए नंबर्स कितने हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना, ये एक अलग है, ये दूसरा नंबर है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा। ओके ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमें कंपेयर करके देख लेना है कि कौन नंबर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। आइए कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स डिजिट का है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी सिक्स डिजिट का है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव डिजिट का है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी सिक्स डिजिट का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी सिक्स डिजिट का। तो बाबू जब सब सिक्स डिजिट सिक्स डिजिट सिक्स डिजिट सिक्स डिजिट, ये फाइव डिजिट है, फाइव डिजिट का यानी स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया बिना ज्यादा परेशान हुए। ओके चलिए स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, आइए अब ढूंढते हैं लार्जेस्ट नंबर, बड़ा वाला नंबर ढूंढना है। तो बड़ा वाला नंबर ढूंढने के लिए सबके सबके डिजिट सेम है ना, यानी इसके 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 और इसके, तो बड़ा वाला नंबर ढूंढने के लिए लेफ्ट साइड से डिजिट कंपेयर करना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से। इस नंबर का लेफ्ट साइड इधर है ना, यानी फोर है, तो चलिए यहां तो थ्री है, ये छोटा पड़ गया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, इसको सोचो ही मतलब, ये तो फाइव ही है, इसको तो छोड़ ही देना है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है ना हमें, ये भी फोर है, ये सोचने वाला है, ये तो थ्री था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये फोर है इसलिए इसको सोचने वाला है, और ये तो बिल्कुल थ्री है तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये छोटा है ना। तो चलिए फोर यहां है, फोर यहां है, फाइव यहां है, सिक्स यहां है, यानी ये बड़ा पड़ गया, ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, तो ये नंबर तो लार्जेस्ट हो गया ना, ये नंबर भी छोटा पड़ गया ना, ये सब तो छोटे पड़ गए और ये नंबर हो गया मेरा लार्जेस्ट नंबर। अब नंबर लिख लेंगे फोर सिक्स सेवन एट टू थ्री,
आई होप आप समझ पाए होंगे। या मैंने कॉमा पुट किया इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे पुट करते हैं, पहले थ्री डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं, फिर टू डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। तो आप स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर इजिली ढूंढ पाओगे, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।